स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, थर्ड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर का थर्ड वीडियो जहां से सेकंड खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। थर्ड वीडियो है, ठीक है। आम पढ़ा रहे थे वहां पे मैंगो, तो मैंगो खत्म हुआ था वहीं से हम शुरू करते हैं। इससे भी मैंगो से बहुत बार क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएल में, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले इसका बॉटेनिकल नेम देखते हैं क्या है। बॉटेनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ये क्या हो गया बॉटेनिकल नेम। अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। फैमिली का नाम है एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी मैंजीफेरा इंडिका नाम हो गया, फैमिली का नाम हो गया एनाकार्डिएसी। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कहां पे हुई। उत्पत्ति इंडो बर्मा क्षेत्र में हुई, इंडो बर्मा क्षेत्र में हुई। आम की मैंने बॉटनिकल नेम बता दिया, मैंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डिएसी फैमिली हो गई, ये इसकी फैमिली है, और इंडो बर्मा एरिया मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है अगला पॉइंट देखिए, आपकी आम जो है इसकी उत्पत्ति इंडो बर्मा हो गई। ये आम फलों का राजा कहलाता है, फलों का राजा। ये राष्ट्रीय फल है भारत का, राष्ट्रीय फल है भारत का, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादक और निर्यातक भारत है, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी करता है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश करता है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट हो गए। बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डिएसी हो गई, इंडो बर्मा एरिया में इसके उत्पत्ति स्थल है, फलों का राजा हो गया, राष्ट्रीय फल हो गया, उत्पादक और निर्यातक में भारत हो गया, और यूपी और आंध्र प्रदेश इंडिया में हो गया। अब इसकी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी जो सबसे अधिक है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में आम की प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता, मतलब एक एकड़ में सबसे ज्यादा उत्पादक कहां है, वेनेजुएला में है। अब आपको आगे ले चलते हैं, इसकी किस्मों के बारे में जानने की बहुत जरूरी है। और एक चीज आप जान लीजिए, आम जो है आम में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में। विटामिन ए पके फल में ही पाया जाता है, लेकिन आप इस बार जो क्वेश्चन आया था पपीता था, विटामिन ए किसमें पाया जाता, आम था, तो उसमें आम लगा हुआ था, जबकि पका आम लिखा होता तो ही लगना चाहिए, लेकिन आप लोग आम ही लगाइएगा क्योंकि आयोग वही मानता है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज और देखिए, आम का जो परागण होता है वो घर की मक्खियों से होता है, घर की मक्खियों से। अब अगले पॉइंट किस्म की तरफ चलते हैं, जो यूपीपीसीएल बहुत सारे क्वेश्चन किस्म से पूछता है। तो किस्म में सबसे पहला नाम है आम्रपाली। आम्रपाली, आम्रपाली की खासियत क्या है, आम्रपाली आम की एक किस्म है, ठीक है। IARI द्वारा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप की गई है। इसकी जो किस्म होती है वो बौनी प्रजाति है, जो आम्रपाली है वो बौनी प्रजाति है, ठीक है। और इसके पके फल में कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, कैरोटीन की मात्रा सभी किस्मों के अपेक्षा सर्वाधिक। अगला, ये जो प्रजाति है इसका, ये सघन बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है, सघन बागवानी के लिए उपयुक्त। एक हो गया आम्रपाली, IARI द्वारा डेवलप, बौनी प्रजाति है, कैरोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सघन बागवानी के लिए उपयुक्त है। दूसरी प्रजाति की बात करते हैं, दूसरी प्रजाति है निरंजन। निरंजन एक बेमौसमी किस्म है, बेमौसमी किस्म है, ठीक है। अब अगले प्रजाति की बात करते हैं, मल्लिका। मल्लिका नंबर तीन पे, मल्लिका, मल्लिका ये जो किस्म है ये भी IARI द्वारा डेवलप किया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI द्वारा डेवलप की गई। इसका आम का एक रोग होता है गुच्छा रोग, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, जिस जो एग्जाम की दृष्टि से गुच्छा रोग से ये प्रभावित होती है। अगली किस्म की बात करते हैं, अगली किस्म है सिंधु, ठीक है। सिंधु एक ऐसी किस्म है जो
जिसमें गुठली नहीं पाई जाती, गुठली नहीं पाई जाती। और ये जो है ये रत्ना आम की एक किस्म है, रत्ना और अल्फांसो, अल्फांसो भी आम की किस्म है जिसको क्रॉस करके बनाई गई है सिंधु। ठीक है, अब अगले तरफ बात करते हैं अगले में, तो कुछ प्रजातियां और हैं, देखते हैं उनको भी। निरंजन हो गया, नीलम हो गया, नीलम ठीक है। नीलम जो है उत्तर भारत में दो बार फल देती है। ठीक है, नीलम हो गया। अगला है अरुणिमा है, बाकी और लंगड़ा भी एक बहुत ही फेमस किस्म है लंगड़ा। ठीक है, लंगड़ा उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा फेमस किस्म है, उत्तर यूपी की फेमस है और विटामिन सी से भरपूर होती है। ठीक है, किससे? विटामिन सी से भरपूर होती है ये। अब हम बात कर लेते हैं जो आम होता है उसके कुछ रोग होते हैं, आम के रोग की बात करते हैं। आम में पहला रोग मैंने बताया, आम में गुच्छा रोग, कौन सा है? गुच्छा रोग। दूसरे नंबर पे जो रोग है वो है मिलीबग, एक हानिकारक कीट है जो इसमें लग जाता है, मिलीबग हानिकारक कीट। तीसरी बीमारी का नाम है आंतरिक ऊतक क्षय, ये आम के क्षय। ठीक है, ये आम की बीमारी की बात हो गई। ठीक है, अब आम की जो निर्यातक कुछ किस्में हैं उसकी बात करते हैं। आम जो इंडिया से निर्यात किया जाता है, निर्यातक किस्में कुछ हैं, जैसे अल्फांसो, आहापुस हो गया। ठीक है, डाट बहुत सारी किस्में हैं जो ऐसे होती हैं, इस तरह बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है, अगला फल की तरफ चलते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो अगले फल की तरफ आपको ले चलते हैं। केला, केला की बात करते हैं। केला अगला फल है, केला की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहले बॉटनिकल नेम जानते हैं, मूसा पैराडिसिया। इसकी जो फैमिली है वो है मोसेसी, केला मोसेसी। अच्छा, केला में एक मोसेसी फैमिली है, मूसा पैराडिसिया इसका नाम है, और केला में 27% कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स पाए जाते हैं। कितना? 27% कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसा कि पहले इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं, केला एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और जो इसकी केला की उत्पत्ति हुई है दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है, कहां हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। अब बात करते हैं जो केला का उत्पादन है, केला के उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन में भारत का नंबर एक स्थान है, फर्स्ट पोजीशन भारत की है। भारत में नंबर एक पर तमिलनाडु है। नंबर दो की बात करते हैं तो महाराष्ट्र आता है। मतलब भारत केला उत्पादन में नंबर एक स्थान पे है, और भारत के अंदर की बात करें तो तमिलनाडु एक पे है, नंबर दो पर महाराष्ट्र है। ठीक है, अब एक चीज और जान लीजिए आप, केले में बीज क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसकी जो किस्म है अधिकतर किस्में त्रिगुणित, ट्रिप्लॉयड, इस कारण इसमें बीज नहीं पाया जाता। ठीक है, इसी कारण इसमें बीज नहीं बनता है। एक केला की किस्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो एक किस्म का नाम आता है वो है मंथन, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ग्लूकोज मंथन आम की एक किस्म है, मंथन, जिसमें ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बाकी किस्म का नाम अगर लिखते हैं तो पुवन हो गई, बसराई हो गई, नरेंद्र किस्म हो गई, और बाकी एक दो किस्में हैं, सफेद बेलची करके है। ठीक है, तो किस्म की बात हो गई केला की, मंथन प्रजाति है जिसमें ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में, पुवन है, बसराई है, नरेंद्र है, सफेद बेलची है। ठीक है, अब
केला के रोगों की बात करते हैं हम, केला के कौन कौन से रोग बहुत इंपॉर्टेंट है केला के, जो रोग है पहला रोग है सिगाटोका, सिगाटोका ये ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण रोग है इसलिए दोबारा लिख दे रहे हैं सिगाटोका, ठीक है। अगला रोग है माइको, एक नाम हमने बताया था कल आप लोगों को रोग का जो बहुत महत्वपूर्ण, मैंने वहां भी बताया था यहां भी बता रहे हैं पनामा रोग, पनामा केला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही फेमस रोग है, ठीक है। जो पनामा रोग मैंने ये भी बताया होगा कि फंजाई द्वारा फैलता है, ये मैंने पहले वीडियो में ही शायद बताया था। एक और रोग है इसका बंचिटा, बहुत महत्वपूर्ण रोग है जो पेपर में जरूर आएगा बता दे रहा है, बंचिटा या पनामा में से एक आएगा, बंचिटा जो है वो वायरल डिजीज है, वायरल है, पनामा जो है फंजाई से है, माइको रोग है, सिकाटोका रोग है, ठीक है। अब बात करते हैं केला, केला केला पकाने के लिए इथाइलीन गैस का प्रयोग करते हैं, इथाइलीन केला पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इथाइलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अब केला की किस्में देख लीजिए, केला के रोग देख लीजिए, सिगाटोका, माइको, पनामा रोग हो गया, बंचिटाप हो गया, पनामा फंजाई से हो रहा है, बंचिटाप वायरस से हो रहा है, उसके बाद केला जो पकाने के लिए कौन सा इथाइलीन गैस है, ठीक है। केले का जो भंडारण होता है, अगर भंडारण की बात करें तो सबसे अच्छा भंडारण 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना जाता है, केले का भंडारण कितने पे 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर माना जाता है, और केला पकाने के लिए अगर पकाने की बात करें पकाने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। अब चलिए केला हो गया है पूरी तरह खत्म हो गया है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देते हैं, केला की मंथन किस्म बोला था मैंने, मंथन किस्म जो है मंथन किस्म में ग्लूकोज पाया जाता है, पुवन है, बसरा, ये तमाम किस्में है। भंडारण के लिए 13 डिग्री की जरूरत पड़ती है और पकाने के लिए 20 डिग्री बहुत अच्छा माना जाता है। सिगाटोका एक रोग है केला का, और माइको रोग है, बंचिटाप रोग है, पनामा रोग है, बंचिटाप वायरल से, पनामा किससे फंजाई से। आप देख लीजिए केला जो है, केला पकाने के लिए इथाइलीन गैस का प्रयोग होता है, भंडारण 13 डिग्री पे, और मूसा पैराडिसिका इसका बॉटेनिकल नेम है, मोसैसी इसकी फैमिली है, और अगला जो फल होगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।